पानी का पैसा। किसी गांव में दूध का व्यापारी रहता था। नाम था उसका छन्नूमल। छन्नूमल की नीयत साफ नहीं थी। वह गांव वालों से कम कीमत पर दूध खरीद लेता और उसमें पानी मिला देता। पानी मिला हुआ दूध वह आसपास के गांवों में ऊंची कीमत में बेच आता था। इस प्रकार बेईमानी से वह ढेरों कमाई करता। कुछ ही दिनों में छन्नूमल माला माल हो गया। अब उसके मन में विचार आया कि शहर में दुकान खोली जाए। छन्नूमल ने एक थैले में ढेर सारे सिक्के डाले और चल पड़ा शहर की ओर। शहर छन्नूमल के गांव से दूर था। वह पैदल चलते चलते पस्त हो गया था। उसे प्यास भी लगी थी। रास्ते में उसे एक नदी दिखाई पड़ी। छन्नूमल नदी किनारे एक पेड़ के नीचे रुका। सिक्कों से भरा थैला पेड़ के नीचे रखकर वह पानी पीने के लिए नदी किनारे आया। छन्नूमल ने जिस पेड़ के नीचे थैला रखा था उस पेड़ पर बंदर रहते थे। उनमें से एक बंदर वह थैला उठा ले गया और ऊपर पेड़ पर जा बैठा। उसने थैला फाड़ डाला। थैले में खाने पीने का सामान तो था नहीं, इसलिए उसे क्रोध आ गया। वह सिक्के निकाल निकाल कर नदी में फेंकने लगा। जब थैले में कुछ ही सिक्के बचे रह गए तब बंदर ने फटा थैला पेड़ के नीचे फेंक दिया। छन्नूमल पानी पीकर जब पीछे मुड़ा तो बंदर की हरकत देखकर परेशान हो गया। बेचारा क्या करता, वह सिर पीट कर रह गया। फटा थैला लेकर छन्नूमल गांव लौट आया। उसने गांव वालों को सारी घटना के बारे में बतलाया। एक गांव वाले के मुंह से निकला, चलो पानी का पैसा पानी में बह गया। बेचारा छन्नूमल बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने गांव वालों के सामने ही ईमानदार बनने की कसम खाई। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।